Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम बात करने वाले हैं टेलीविजन के टॉप 3 एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने स्टाइल से ऑडियंस को काफ़ी दीवाना बनाया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुरभि चांदना, निया शर्मा और एरिका फर्नांडिस की। जहाँ ये तीनों ही एक्ट्रेस ने टेलीविजन दुनिया पे अपने एक्टिंग से ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया है। वहीं ये तीनों एक्ट्रेस ने अपने फैशन स्टाइल से भी ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट किया है। जहाँ हमने सुरभि चांदना, निया शर्मा और एरिका फर्नांडिस के कई सारे लुक्स भी देखे हैं। भले ही वो वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, ये तीनों ही एक्ट्रेस ने अपने फ्यूजन वेयर से सभी ऑडियंस को एक नया फैशन गोल देती हुई नजर आई है। सबसे पहले बात करते हैं सुरभि चांदना की। सुरभि चांदना आप सभी को कलर्स टीवी के शो नागिन सीजन 5 में नजर आ रही है बानी के किरदार में। जहाँ ये शो में हमने कई बार सुरभि को उनके कई सारे फ्यूजन लुक्स में देखा है, वहीं उनकी साड़ी की स्टाइल भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया है। वहीं रिसेंटली सुरभि चांदना हाई सिल्क ब्लैक गाउन में नजर आई थी, जिसमें वो काफ़ी हॉट दिख रही थी। वहीं उनका ये लुक भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। हमने कई सारे सुरभि चांदना के हॉट लुक्स देखे हैं, जिसमें वो काफ़ी सुंदर दिख रही है। अब बात करते हैं निया शर्मा की। जी हाँ, निया शर्मा अपने हॉट लुक और बोल्ड अंदाज के लिए काफ़ी जानी जाती है। निया शर्मा आए दिन अपने लुक्स के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए भी नजर आई है। वहीं कई सारे उनके ये एक्सपेरिमेंटल लुक ऑडियंस को भी काफ़ी अट्रैक्ट किए हैं। अब बात करते हैं एरिका फर्नांडिस की। जी हाँ, एरिका फर्नांडिस उनके लास्ट शो कसौटी जिंदगी में प्रेरणा के किरदार में नजर आई थी। वहीं उनका प्रेरणा का किरदार भी ऑडियंस के दिलों में आज भी है। एरिका को उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके फैशन स्टाइल के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है। एरिका आए दिन अपने सोशल मीडिया पे कई सारे हॉट और सेक्सी पिक्चर्स अपलोड करती हुई नजर आती है। जहाँ एरिका फैशन ट्यूटोरियल वीडियो अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू देती रहती है। जहाँ एरिका अपने फैशन स्टेटमेंट में हमेशा परफेक्ट रहती है, भले ही वो वेस्टर्न आउटफिट हो या ट्रेडिशनल। तो चलिए, आइए आज हम आपको दिखाते हैं ये तीनों ही एक्ट्रेस के कुछ हॉट पिक्चर्स, जो कि आप सभी को काफ़ी पसंद आएंगे।